दोस्तों Realme अपना न्यू स्मार्टफोन Realme 13 सीरीज 5G को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने लिए तैयार है। ये फोन इंडियन मार्केट में 29 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। इसमें दो स्मार्टफोन लॉन्च होगा, एक होगा Realme 13 प्लस 5G, दूसरा होगा Realme 13 5G। इस वीडियो में बात करेंगे Realme 13 प्लस 5G के बारे में और आपको बताएंगे कि ये फ़ोन लुकवाइज कैसा होगा, इस फोन में क्या क्या चीज़ें मिलेगा और ये फ़ोन कितने प्राइस पे इंडिया में लॉन्च होगा और कार्ड डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन आपको कितने में मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में Realme 13 प्लस 5G के बारे में। सबसे पहले इस फोन के लुक का बात करें तो ये फोन बैक साइड से कुछ इस तरीके का होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बैक साइड से फोन बढ़िया होगा। इस फोन के बैक साइड पे पॉलीकार्बोनेट का बैक रहेगा, फ्रेम प्लास्टिक का होगा और इसमें एक बड़े से सर्कुलर कटआउट में तीन कैमरा का सेटअप होगा और एक LED फ्लैश मिलेगा। और फोन के बैक लुक को इन्हांस करने के लिए इसमें स्पीड वेव टेक्सचर का भी डिजाइन रहेगा और फोन इन हैंड फील में भी बढ़िया होगा। जब आप फोन को हाथ में लेंगे तो आपको प्रीमियम सा फील देगा। वहीं फोन फ्रंट साइड से फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला होगा, जहां साइड का बेजल और चीन ठीक ठाक रहेगा। फोन फ्रंट साइड से भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन डिजाइन में मस्त होने वाला है। वहीं इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंचोल वाला फ्लैट डिस्प्ले होगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होगा और इसमें मिनिमम 2000 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी रहेगा। देखिए डिस्प्ले में फोन अच्छा होगा, जब आप फोन को चलाएंगे तो फोन चलाने में आपको बढ़िया लगेगा, फोन एकदम स्मूथ चलेगा। स्क्रोलिंग में, ब्राउजिंग में, ऐप ओपन क्लोज में, ये सब में बेस्ट होगा और वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस में भी फोन बहुत अच्छा होगा। जब आप इसमें कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे या कोई 4K वीडियो प्ले करेंगे तो आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। फोन डिस्प्ले में आपको सेटिस्फाइड करने वाला है। वहीं इस फोन के प्रोसेसर का बात करें तो ये फोन MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 4nm फैब्रिकेशन पे बना है, तो बैटरी इफिशियंट भी है और इसका NT2 स्कोर 7 लाख से ज़्यादा रहेगा। कंपनी का कहना है कि इसका NT2 स्कोर 7,50,000 तक रहेगा। तो इससे देखिए क्लियर है कि फोन परफॉर्मेंस पे बढ़िया होगा। जब आप इस फोन में मीडियम सेटिंग्स पे गेमिंग करेंगे तो गेमिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मीडियम सेटिंग्स पे गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई सेटिंग पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है और ये फोन एक नॉर्मल यूजर के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। आप अगर ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। वहीं इस फोन के स्टोरेज और रैम टाइप की बात करें तो ये फोन LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा और जब आप इस फोन में कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या कोई एप्लीकेशन को फोन में इंस्टॉल करेंगे या एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करेंगे या कोई फाइल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होगा। स्टोरेज और रैम टाइप में फ़ोन ठीक ठाक रहेगा। और दोस्तों फ़ोन के हीट को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए इसमें स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम भी रहेगा, इस वजह से फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होगा तो फ़ोन परफॉर्मेंस में और ज़्यादा बढ़िया होगा। वहीं इस फोन के कैमरा का बात करें तो ये फोन रियर साइड से ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जहां की मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। इसमें OIS भी रहेगा और इसमें सोनी का लाइटिया 600 वाला सेंसर मिलेगा और बाकी का कैमरा क्या होगा ये भी पता नहीं चला है। वैसे मुझे लग रहा है कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा होगा और सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा। और इस फोन के रियर कैमरा से आप 4K में वीडियो को रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। देखिए फोन कैमरा में बढ़िया होगा और जब आप इस फोन के कैमरा से कोई फोटो क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो क्वालिटी बहुत अच्छा निकाल के देगा, कलर को भी अच्छे से बैलेंस रखेगा, डिटेलिंग को भी अच्छे से मेंटेन करेगा, डायनेमिक रेंज में भी बढ़िया होगा, लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी लाइट कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, पोर्ट्रेट शॉट्स भी ठीक ठाक निकाल के देगा, सेल्फी फोटो भी बढ़िया आएगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन प्राइस के हिसाब से कैमरा में परफेक्ट होने वाला है। और इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी मिलेगा और इसमें डेडिकेटेड दो स्पीकर ग्रिल भी मिलेगा, एक टॉप साइड पे मिलेगा, एक बॉटम साइड पे मिलेगा, तो फोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा होगा। और ये फोन IP65 रेटिंग के भी साथ आएगा तो फोन IP रेटिंग में भी बेस्ट होगा और बारिश और डस्ट को भी आराम से झेल सकता है। वहीं इस फोन के बैटरी का बात करें तो ये फोन 5000mAh बैटरी के साथ आएगा, जहां 80W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी रहेगा तो फोन बैटरी में भी बेस्ट होगा। और ये फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा, इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड का सपोर्ट इसमें मिलेगा। फोन 5G कनेक्टिविटी में बेस्ट रहेगा और स्पीड भी बहुत अच्छा देगा। और इस फोन में 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिलेगा और ये फोन हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के साथ आ सकता है, इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। और ये फोन Realme UI पे रन करेगा और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा। इसमें 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है, तो ये फोन 14 के साथ आएगा और ये एंड्रॉयड 16 तक जाने वाला है।
दोस्तों यही सब पूरा डिटेल्स था ये Realme 13 Plus 5G से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये सब डिटेल्स से तो देखिए साफ क्लियर है कि फ़ोन लगभग सारे चीज़ों में बढ़िया होगा, बस Realme इस फ़ोन को इंडिया मार्केट में अच्छे प्राइस पे लॉन्च करे। वहीं इस फ़ोन के प्राइस का बात करें तो दोस्तों लीक्स में बताया जा रहा है कि इस फ़ोन का बेस वेरियंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला होगा, जिसका प्राइस इंडियन मार्केट में 20,000 से कम रहेगा। अब 20,000 से कम में कितना होगा ये भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 20,000 से कम इसका प्राइस इंडिया में रहने वाला है। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे जो जो अपडेट आएगा वो सारा डिटेल्स आपको बताते जाएंगे। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।